हाँ ऐसा मान लीजिए हमारे पिता साहब है, कलवापन बाबा है ना, इनकी टक्कर की सकती है ये। साथ ही साथ तेरे घर के अंदर में जो दिक्कतें शुरू हुई है बेटा, ये किसी घर का कलेश उठाकर तेरे घर में डाला गया है, तेरी गद्दी के अंदर में। तेरे पिताजी के खुद के ऊपर भी घाते चलती थी, पहले से ही चलती आ रही है, जब उनकी उम्र लगभग 12-13 साल की रही होगी उसके बाद से उनपे घाते तो लगातार ही चलती आई है, जिसमें तेरे पापा में कई बार दिक्कत हो चुकी है, उनके घुटनों में भी दिक्कत हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में मैं ये देखता हूँ कि धीरे धीरे करके जब पापा आपके जीवित थे तो उनकी मानसिकता पे बहुत असर पड़ने लगा था, लाइक जैसे अजीब सा इंसान नहीं हो जाता है, थोड़ा सा पागल सा। इसके अलावा उनके घर के अंदर में बाबा गंदीले पोन की घोड़बाजी है, बावड़ा पोन जिसे कहते हैं, जो बावला हो जाता है पूरा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं तुम लोग हमारी गद्दी से ताल्लुकात रखते हो, जो वाल्मीकि गद्दी चलती है ना देवताओं वाली, इस टाइप की शक्तियां हैं, लेकिन अच्छी राजपुतान शक्तियां ज्यादा है। इसमें जो फेवरेट देवता रह चुका था बेटा, एक तो बाबा नरसिंह आ रहा है, एक कालीवीर आ रहा है, दूसरा कालका माई है, भैरव है, हनुमान का 2-3 जंजीरें आ रहे हैं, गोरखनाथ का पीछे से हाथ पल्ला आ रहा है, साथ ही साथ में ये देखता हूँ माता की ज्यादा उपासना मानी जाती है घर में, ठीक है। इसके बाद में ये गद्दी जब तेरे पापा के पास लगभग उनकी उम्र 28 साल हुई होगी ना, इसके बाद उनकी शक्तियों ने उनके साथ धोखा करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहली दिक्कत तुम्हारे घर में ही, जैसे तेरा जो भाई होगा ना, जो उनकी पहली संतान होगी, उसमें ही खोड़बाजी करके गई है। सर नहीं हूँ, अपने पिताजी ताली बुला रहा। अच्छा पहली बार तुम, तभी तुम्हारा धजिया उड़ रही बार बार। घर के अंदर विकराल रूप से दिक्कतें हो रही है। अच्छा एक बात बता, तेरे परिवार के अंदर में, पूरे परिवार के अंदर में 2-3 औरतें हैं, कुछ खास औरतें हैं, ठीक है। हाँ। और इन लोगों ने भी साला दिक्कतबाजी काफी कर रखी है। इसके अलावा ये बता, इस गद्दी के पीछे लड़ाई भी हो रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, बेटा आपके घर के अंदर 2012 में क्या हुआ था? सर 2012 इतना ध्यान ही मुझे है सर, बहुत ही दिक्कत हुई हमारे। ये तेरे घर के अंदर में देख, एक 2009 में, 2009 के आसपास में, ठीक है, कोई चीज ऐसी हुई जिसके वजह से तुम लोग 2009, 10, 11, 12, 13, ठीक है 2013 तक तुम इस चीज से परेशान रहे हो, ठीक है। और ये किसी तरीके का पारिवारिक मान मोटा हुआ है काफी ज्यादा बड़े लेवल पे। बेटा ये हॉस्पिटलाइज कौन होकर आया घर में? सर हॉस्पिटल मेरा डैडी भी गया था, मैं भी पहुंच गया था हॉस्पिटल। अच्छा ये तुम दोनों ही गए हो। हाँ। अच्छा ये फीमेल जनानी जो है, एक जनानी सपने में आती है जो खुद को देवी बताती है, लेकिन गलत काम करके जाती है सपने के अंदर। हाँ सर, सपने की जनानी होती है। बेटा ये शीश सवारी किस पे आ रही है अभी? शीश सवारी किस पे आ रही है जो देवी देवता खेलते हैं? हाँ जो मतलब शीश सवारी होती है ना, शरीर पे देवता खेलते हैं जैसे। सर अभी तो अभी किसी पे नहीं है। हाँ तो पीछे वाले गांव में होगी किसी पे? नहीं नहीं एक बार बता, तेरे में भी तो झटके लगते हैं? हाँ मुझे बहुत झटके लगते हैं। देखो झटके तो लग ही रहे हैं, तेरे में ही मानी जाएगी सवारी बेटा ये। अच्छा तेरे अंदर चढ़ रही है। तेरा एक देवता है जो पैरों के अंदर में कड़े पहनता है, खड़ंग जिसे कहते हैं, जो पैरों के खड़ंग पहनते हैं। कड़े पहनते हैं? हाँ कड़े पहनते हैं। अबे एक बात बता, तेरे अंदर तो चीजें दूसरे भगत ने भी बाढ़ दी, एक बार बता किसके पास गुरु धारण करने गया है भाई? ये किसके पास गुरु धारण करने गया अपना तू? सर मैं गया था पहले के पास, 25 साल लगाए। हाँ तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं, उन्होंने ये भी बात देवता की लाइन बताई कि अपनी सेवा करो, और मुझे तंत्र मंत्र उसने कुछ नहीं दिया। अच्छा तो अभी मैं एक के पास गया था, वो पीर होते ना हमारे। हाँ वो उनका उन्होंने चिराग लगवाया करते। अच्छा बेटा एक बात बता मुझे, तू किसी औरत के पास भी गया जो भगत नहीं होती है? तेरे घर के अंदर कालका माई दिख रही है, तू कालका माई को मान के चलता है क्या? सर मेरी बहन करती थी सेवा, तो अब मेरे पिताजी माता कालका को मानते थे, तो मेरी बड़ी बहन भी मानती थी, वो भी सेवा करती थी, अभी हम भी कर रहे हैं। ये भी हो गया, ठीक है। देवाई, देवाई, देवाई। बेटा तुम्हारे घर की दीवालों में से आवाजें आती हैं? सर ऐसी आवाजें छत पे ऐसी आती है, छत पे ऐसी छन छन की आवाज आती है। अच्छा देवाई, 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 देवाई। बेटा तुम कितने भाई बहन हो टोटल? सर हम तीन है। तीन हो, लेकिन मुझे संख्या ज्यादा आ रही है। मुझे संख्या ज्यादा आ रही है, छोटे पोटे निकल। सर एक मेरे मम्मा के बेटी बेटा गुजरा था ना छोटे पेट में ही। हाँ अच्छा
बेटा तेरे घर के अंदर में सुसाइड करके कौन मरा है? जी? तेरे घर के अंदर सुसाइड करके कौन सुसाइड मरा है? कर मेरे चाचा जी का लड़का। चलो जी ठीक है। तेरे इलाके के अंदर में तिराए या चौराहे के आसपास कोई मंदिर है क्या कोने पे? क्या है घर के अंदर? मैं कह रहा हूँ तेरे इलाके के अंदर किसी चौराहे वराहे के आसपास जो तिराया होता है रास्ता होता है, इसके आसपास कोई मंदिर है किसी देवता का? हाँ मंदिर है। किसका है? बजरंगबली बाबा का? हाँ बजरंगबली बाबा का। बजरंगबली बाबा का ठीक। बेटा देख मैंने तेरी पूछा काटिए पूरी की पूरी निकाल दी है ठीक है। इसमें सबसे बड़ी खोड़बाजी आपके पिताजी के साथ में उनकी गद्दी के ऊपर ही कर दी गई थी, जिसके अंदर बुरे में शक्तियां चलाई हुई हैं। इन शक्तियों का खैर नाम तो नहीं पता चल रहा मुझे, बट ये है कि ये मरगट की शक्तियों में से ताल्लुकात रखती हैं ठीक है। साथ ही साथ तेरे घर के अंदर में बावड़े पोन की खोड़बाजी करवा रखी है। बावड़ी पोन तेरे घर के अंदर में कालीवीर और नरसिंह भगवान के साथ में चलता था, यानी कि तेरे पिताजी के पास गढ़वाली तंत्र का भी ज्ञान था। साथ ही साथ में मैं देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर या पंडिताइन चीजों में से भी आ जाते हैं। गद्दी लेने के 7 साल तक कुछ नहीं हो, 7 साल के बाद 8वें साल के अंदर से उनके साथ दिक्कतें होनी शुरू हो गई। जो जितना लोगों का भला कर रहे या गद्दी पर चढ़ रहे थे उनको मानसिकता दिक्कत हो रही थी, जिसका असर तुम्हारे परिवार पर पड़ रहा था ठीक है। तुम्हारे घर के अंदर में अभी एक सुषमा नाम की एक औरत है ठीक है, तुम्हारे इलाके से ही है, जो बजरंग बली के इस मंदिर के आसपास आती है, जिसका जिक्र मैंने अभी करा ठीक है। इस औरत ने, यह औरत वैसे देखा जाए तो बागेश्वर धाम को ज्यादा मानती है, बागेश्वर धाम के गुरु जी जो है वो मुझे इसके साथ में दिख रहे हैं, मतलब इन्हें मानती है। लेकिन इस औरत ने क्या कर रखा है, तेरे घर से, घर के आंगन जो होता है ना आगे से, यहां से मिट्टी उठा रखी है और उसमें क्या कहते हैं काले तिल मिला के दोबारा छिड़के हैं ठीक है। तो तेरे घर के अंदर, और इसने ये ड्रामा करा है, लगभग ऐसा मान ले बागेश्वर जो धाम है ना, ये जो अब वाले गुरु जी है ना धीरेन्द्र शास्त्री, ये नहीं है, कोई दूसरे गुरु जी है ठीक है। लेकिन बागेश्वर धाम को बहुत मानती है ये औरत, बहुत ज्यादा मानती है। लेकिन इसका क्या है, तुम्हारे घर से किसी बात की कोई नाराजगी चल रही है, जिसके चक्कर में इसने क्रियाएं कर रखी है। और अभी तेरे घर के अंदर में सबसे बड़ा पंगा तो 2018 में करा गया, जिसमें कि तेरा शरीर बिल्कुल ही तोड़ दिया ढंग से, तेरी सांसें उखड़ती हैं, तेरे पेट में दिक्कत हो जाती है, शोल्डर के मतलब जो जो हमारे एल्बोज होती हैं इनमें दिक्कत होती है, पैर कांपता है, कोई काम नहीं बनता, तेरे अलावा तेरा जो भाई है वो भी परेशान हो जाता है, उसे भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है। इतनी चौकियां देख ली, इतने भगत बदल लिए तूने, लेकिन तुझे उपाय कहीं नहीं मिलता, ना कि चीजें भी नहीं पता चलती ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये देखता हूं तो तुम लोग फालतू की चीजों में जल्दी फंस जाते हो। अच्छा एक बात बता, तेरे घर के अंदर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी पहले एक शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ मर गई और उसने दूसरी शादी करी हो? ये मुझे पता नहीं, वो पीछे होंगे सारे बारे में, मुझे नहीं पता नहीं था, दादा वादा नहीं, एक बार कर थोड़ा सोच सोच के बता मुझे, जरा एक पत्ता और खुल रहा है ना। सर ऐसा नहीं है कोई, थोड़ा ध्यान लगाओ, दोनों लगाओ, सोचो दोनों भाई साथी तो सोचो, अगर इस चीज का हमें पता चल जाएगा तो हम लोगों के पास एक नया, एक होती है एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि तेरे पापा की मेन गद्दी का मालिक कौन है। अच्छा तो है चाचा, नहीं मेरे पापा कोई नहीं है गद्दी का मालिक अभी, दादा कर ले, चाचा करता ना तेरा तकड़म। नहीं नहीं हेलो, हाँ हाँ कोई नहीं है उनमें से, गद्दी का मालिक अभी ऐसी पड़ी हुई है वो। अरे पागल, गद्दी का मालिक नहीं पूछ रहा मैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा परिवार में था तुम्हारे जिसकी लाइक पहले शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ मर गई हो और उसने दूसरी शादी कर ली हो? वो सर वो मेरे मामा जी के उधर है, वो चाचा मेरे में नहीं है, मामा जी के में है। मामा जी के में, लेकिन परिवार में लग गया ना तेरे? हाँ परिवार में, मतलब उन्होंने दूसरी शादी की है। की है, तो इसका तेरे पापा जी से क्या लेना देना था या तेरे घर से क्या लेना देना था? पता नहीं सर, ये चीज है मजेदार। तो अच्छा सपने में मैं तेरे पास आके क्या कह रहा था? पापा का ये क्या करा, मेरे पापा जी से ऐसे मिलते हैं मुझे सपने में, वो तो कुछ नहीं है, है? ऐसे मिलते हैं, कभी मम्मी को मिलते हैं, कभी मुझे भी मिलते हैं, कहते हैं जो तो नहीं है, मेरे पापा जी ने ना अच्छे जो मुझे कलवा भेज दिया था ना,
हाँ कह रहे वो तुझे चलाने की बीजी नहीं आ रही है, उसकी बीजी नहीं पता तुझे, बच्चे अच्छा, इतने बोलते हैं। अरे और मैं जब तेरे सपने में आता हूँ तब मैं क्या बोलता हूँ आके? आप उस दिन लिखना, आपने कहा तेरे पे मारन कही थी ना, हाँ जितने की है कह रहे मैंने वो हटा दी है पीछे, पर वो बीच बीच में आके ना आके भी तंग करेगी, मुझे नुकसान पहुंचाएगी। हाँ अच्छा, तू ही तो वो लूना चमारन जो कह रहा था मेरे पास है, वही है ना तू जो लूना चमारन कह रहा था जो उस दिन मैं इंस्टाग्राम पे था, हाँ सर विक्की, विक्की? हाँ मुझे अब तो याद आ गया, तेरे ऊपर से मैंने जो मारा वो जो क्रिया थी वो आधी काट दी थी, तो तूने मैसेज करा था कि धक्का लगा एकदम से है? हाँ तो सर ये देखो ना, ये जो करने वाला कौन है, ये मुझे करवाने वाला कौन है, क्या मेरा दुश्मन क्या है, मतलब दिखे चल नहीं यार। बेटा ध्यान से सुन, तेरे घर के अंदर जो करवाने वाला बंदा है ना, ठीक है, इसके अंदर जो बंदा है ये तेरे पापा का ही करीबी है, ये भी इसी लाइन से ताल्लुकात रखता था, तेरे पापा ने इसको किसी बात की शायद होता है ना जैसे गुस्से में कुछ बोल देना, ठीक है, इस तरीके के गुस्से में बोला, लेकिन तेरे घर के अंदर सारी परेशानी तेरी गद्दी के अंदर ही थी, तो जब तेरे पापा धीरे धीरे मेंटली पागल होने लगे थे तो उनकी गद्दी ने ही उनके साथ गड़बड़ कर दी, जिसके अंदर तीन चार शक्तियां फ्री हो गई, निकल गई उस गद्दी के अंदर से, ठीक है, वो निकलने के बाद उन्होंने कोहराम मचाना शुरू करा उनकी पहली संतान को जो कि तू है, ठीक, इसके अलावा जो घर के अंदर दिक्कतें थी वो कम हो जाती है अगर तुम ज्यादा छेड़ाखानी नहीं करते, तुमने भी छेड़ाखानी कम नहीं कर रखी है, ठीक है, घर के अंदर चारों तरफ में माहौल खराब हो चुका है, घर के अंदर मारण क्रिया करने वाली एक सुषमा नाम की औरत है जिसने मारण क्रिया लगभग 2015 में जुलाई के महीने 8 तारीख को करी थी, जो बागेश्वर सरकार को ज्यादा मान के चलती है, लेकिन ये अकेली हनुमान जी को मानती ही नहीं है, बहुत कुछ चीजें इसके पास ऐसी पड़ी है, और ये लड़की ये जो औरत है ये पीछे से गढ़वाल से बिलोंग करके चल रही है, यानी ऐसा मान ले कि इसकी शादी यहाँ तुम्हारे तरफ में हो गई होगी, या ये अपने पति के साथ काम के दौरान यहाँ आ गई है, इसकी जो खुन्नस है तुम्हारे घर से किसी बात की कोई नाराजगी लेके चल रही है, परिवार के अंदर में मैं देखता हूँ तो परिवार में भी तुम्हारे काफी सारे दुश्मन बने पड़े हैं जिसकी कोई वजह खास है नहीं, ठीक है, बस एक जलन गुस्सा और वैसा करके तुम लोगों ने जो कहानी खराब कर दी है ना वो इस वजह से ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि गद्दी के अंदर में एक देवता ऐसा है जो पैरों में कड़े पहनता है, 6.5 फीट का है, कलवापन की टक्कर का पहलवान बताता है खुद को, पगड़ी डाल रखी है, सर पे आंखें बड़ी बड़ी है, बहुत गुस्से में है, बहुत ज्यादा, और मुझे कहता है कि मैं इन सबको जान से मार के ही मारूंगा, इतना नाराज है, क्या इतना गुस्से में है, और इतनी पावर है उसके पास कि उसने सारे देवता देवी देवते जितने भी सब पीछे ऐसे हटा रखे हैं, पीछे लेके खड़ा है कि मैं नहीं शुरू करा था तो मैं ही खत्म करूंगा, तो सर अब इसको कैसे शांत करें, क्या असर करें अब ये गद्दी इसका? लेनी पड़ेगी इसकी तेरे को वापस, जी ये गद्दी लेनी पड़ेगी वापस तुझे, सर मैं गद्दी तो ले लूंगा, पर आप आओगे तो यही गद्दी लूंगा, लूंगा ना, ऐसे कैसे लूंगा? तो बेटा इसका तो एक प्रॉपर इलाज, तेरी गद्दी के अंदर जो देवी देवता है ना, तेरी गद्दी सर्व कार्य सिद्धि गद्दी है, ठीक है, मतलब कैसे भी कार्य को सिद्ध करने वाली गद्दी है ये, जैसे मेरी गद्दी सर्व कार्य सिद्धि नहीं है, मैं सर्व कार्य सिद्ध नहीं कर सकता, मैं लिमिटेड कार्य सिद्ध कर पाता हूँ जैसे भूत प्रेत ओपरी होता है ना, लेकिन तेरी जो है मेरी वाली से थोड़ी सी एक मान ले एडवांस लेवल की गद्दी है, एक अच्छी गद्दी है, पावर वाली है, मैं जैसे तामसिक पावर देवी वाली, देवता को हैंडल करता हूँ तेरी गद्दी सर्व कार्य सिद्धि हैंडल करती है, यानी कि मेरे जैसे कई देवता होंगे जिनके नाम नहीं गिन सकता तू, अच्छा इनका गुरु लेकिन गुरु गोरखनाथ और गुरु दत्तात्रेय महाराज हैं, ठीक है, और तेरी गद्दी के तीन सोल्जर्स बता देता हूँ, तीन चार जो सिपाही है ना तेरी गद्दी के जो उस टाइम पे मेन काम करते थे, मैं उनके नाम तुझे बता देता हूँ, ठीक है, इसमें जो पहली शक्ति का नाम आता है वो आता है बाबा कालीवीर, दूसरा नाम आता है नरसिंह वीर, ठीक है, सॉरी नरसिंह भगवान, तीसरा आता है भैरव बाबा, चौथे आते हैं तेरा ये यही वाला जो तेरा सिंह वाला देवता बता रहा हूँ, इसका खैर मुझे नाम नहीं पता चल रहा क्या है, लेकिन जो भी है ये, ठीक है, ये चार शक्ति तेरी सोल्जर है, माता मेन है, माता की गद्दी है ये, माता की विराजमान होकर माता से कार्य होते हैं यहाँ, ठीक है, माता के नीचे कई सारी शक्तियां काम करती हैं, शक्तियों के रिवाज बदल चुके हैं, शक्तियां बहुत सी तुम्हारे घर से चुरा ली गई हैं, साथ ही साथ तुम्हारे घर के अंदर में जिस आदमी की पहली बीवी मरने के बाद दूसरे ने शादी करी, जिसका तूने बताया कि वो तेरे मामा के यहाँ लगता है रिश्ते में, ठीक है, और तुम मामा के यहाँ रहते थे, तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट तुम्हारे ऊपर ये क्रिया आ गई है, लेकिन तेरे गद्दी के मेन मेन देवता ये ले गए, गुरु जी प्रणाम जी प्रणाम बेटा, हाँ मैं ना इनका भाई भी हूँ तो एक बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, समझ लो ऐसे फैमिली रिलेशन है हमारा। दरअसल ये 2-3 6 महीने से ना बिल्कुल ही ऐसे हो गया, पागल हो गया बिल्कुल, ये अपने तो पापा पहले का हम ही डॉक्टरी कराना इलाज भूल में गए चले गए उसके थे। साथ में, जो उसके पापा के साथ हुई थी, मैंने क्या अभी बताया कि क्या हुआ कि पापा हम के जिस ऊपर गुरु के गद्दी पास है भी ना सर। जाते दो चार इसको लेके, सुन मेरी बात सुन, तो वो
आगे हाथ ही नहीं डालते हैं इस चीज को। इसको बोलते हैं तू इधर आ जा, जो तूने पढ़ा है तेरे पापा ने बताया वो हमें बोल दे। मतलब कि हम बहुत परेशान हो गए, इसकी फैमिली पूरी, तो इसकी दो बहने हैं, मम्मी है अकेली घर पे, तो ये है बेचारा। तो अब इसका कोई सोल्यूशन निकाले, क्या करें क्या नहीं करें, जिससे इसको